बरेली में एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने पर उसकी मां द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद कोर्ट के आदेश से 2.5 माह बाद उसकी लाश कब्र से निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। थाना बारादरी एजाज नगर गोटिया की रहने वाली रोशनी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल कदीर LLB की तैयारी कर रही थी। उसकी मां शहाना ने बताया कि रोशनी का रिहान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग हो गया था और दोनों के संबंध भी बन गए थे। रोशनी की मां का आरोप है कि रिहान उसकी बेटी का शारीरिक शोषण करता रहा। जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो 14 जून को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। बस्ती बालों के दबाव में आकर जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार एजाज नगर गोटिया के नए कब्रिस्तान में कर दिया गया था, लेकिन उसकी मां चुप नहीं बैठी। उसने थाना बारादरी में भी इसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की। रोशनी की मां ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर आज बारादरी पुलिस ने 2.5 महीने के बाद उसकी लाश को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक रोशनी के पिता का इंतकाल हो चुका था। एक छोटा भाई और मां के साथ रहती थी। वह इंटर पास थी और LLB की तैयारी कर रही थी। मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। रोशनी की मां का आरोप है रिहान, जुनैद, जावेद और नाजिम इन तीनों ने बेटी का गला दबाकर हत्या की है। बेटी की हत्या के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ न्यायालय में उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहाना है। कैसे आपकी बेटी हत्या कर दी, क्या मामला था? मेरी बेटी का रेहान से टक्कर बाजी थी, प्यार मोहब्बत की, और शादी के लिए वो कर रहे थे, लेकिन शादी के लिए उसने मना कर दिया। मैं उनके घर पे, जब ये मुझे बाद में पता चली कि उसने मोबाइल दे रखा है, उसके घर पे गई। मैं उनके ताऊ के घर पे गई, उसके घर पे गई, उन्होंने मुझे बेइज्जत कर करके भगा दिया। शादी के लिए राजी नहीं हुए और फिर मुझसे कहते थे कि मतलब जान से मार डालेंगे, जान से। हम सोचते थे ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 14 जून को 3 बजे मौका देख के, मौके बरदार तीन से चार के बीच में उन्होंने गला घोट के मार डाला। मैं बाजार के बाजार से पास में ही थे, सब्जी लेने लगी। फिर ये हुआ कि हम पुलिस वालों कने गए, मुकदमे के लिए गए, उन्होंने मुकदमा नहीं लिखा चौकी में। और फिर हम थाने में गए, थाने में हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर हार के हमने उसमें कोर्ट में डाल दिया मुकदमा अपना। कोर्ट के जरिए से हमारा 21 तारीख को, अभी अगस्त की 21 तारीख को हमारा मुकदमा लिखा गया। तब उसको मार दिया गया था जून की 14 तारीख। बॉडी कब आपने शिकायत करी अधिकारी, बॉडी कैसे निकली? जी, अब हमने कोर्ट से इजाज़त लेके और सबसे कह के तो हमने अब बॉडी निकलवाई। जी, पुलिस ने कौन सा थाना लगता आपको? थाना हमारा थाना बारादरी। कहाँ की रहने वाली है? हम इजाज़ नगर गोटिया। इनका कब्रिस्तान का 2 दिन वाली जी साइज का भी घर बराबर में है, मुल्जिम के भाई उनका घर और उनके एक मुल्जिम का भी जावेद का घर भी बराबर में है, मुल्जिम वो है नाजिम उसका भी घर बराबर में, रेहान का घर के पीछे से घर है। हम इन लोगों के संग में घिरे हुए हैं। मारा किस किसने? मारा रेहान, जुनेद, जावेद, नाजिम, गला घोट के मार डाल के उसको लटका दिया। कोर्ट के आदेश से आपकी बॉडी निकाली गई? जी, पुराना कब्रिस्तान, नए कब्रिस्तान से। कहाँ पे? इजाज नगर गोटिया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।